दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में पढ़ेंगे दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो इतिहास के स्रोत है वो है वेद, पुराण, स्मृतियाँ, बौद्ध स्रोत, जैन स्रोत, धर्मनिरपेक्ष स्रोत, विदेशी यात्रियों के जो द्वारा दिए गए स्रोत है वो। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों वेद। वेद जो है वो चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और थर्ववेद। उसके बाद आता है पुराण। पुराणों की कुल संख्या 18 है दोस्तों, और 18 है दोस्तों, लेखक जो इसके हैं लोमहर्ष और उग्रसरवा। दोस्तों जो पुराण लिखे हैं लोमहर्ष और उग्रसरवा ने लिखे हैं। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है दोस्तों, अब आता है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी जो स्मृति है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों मनुस्मृति। इसके रचयिता कौन थे, मनु। ठीक है, उसके बाद आता है बोध स्रोत। बोध स्रोत क्या है, यानी कि त्रिपिटक को बोध स्रोत कहते हैं दोस्तों। जो बौद्धों के ग्रंथ पाए गए हैं उसमें उस समय प्राचीन इतिहास की उल्लेख ना है, उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों त्रिपिटक कौन कौन से है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। दोस्तों जो सूत पिटक है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। ठीक है, उसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। उसके बाद आता है विनय पिटक। विनय पिटक में यानी कि जो संघ होता है बौद्ध धर्म जो अपनाएगा वो किन नियमों से उसका पालन करेगा, तो वो संघ के नियम किस में लिखे गए, विनय पिटक में। अब आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है और अभिधम्म पिटक में जातक है। जातक क्या होता है, जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब आता है जैन स्रोत। जैन स्रोत जो है, जैन स्रोत जो है वो है जैनों के जो मतलब हमें ग्रंथ मिले हैं वो, इनको आगम कहते हैं। जैन ग्रंथों को आगम कहते हैं। ये 12 अंगों में विभक्त हैं दोस्तों। एक आता है परिशिष्ट पर्व, जिसके रचयिता है हेमचंद्र। ठीक है, ये पूछा जाता है परिशिष्ट पर्व किससे संबंधित पुस्तक है, किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो यह है जैन धर्म से। अब आता है कल्पसूत्र। ठीक है, तो कल्पसूत्र जैन धर्म के बहुत अच्छा संग्रह है। अगला आता है धर्मनिरपेक्ष स्रोत। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों पहला हमारा अर्थशास्त्र पाया गया हमें। ये किसने लिखा था, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम इसी के, चाणक्य के। ठीक है, अर्थशास्त्र की जो रचना की वो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने की। ठीक है, अगला आता है हमारे पास एक जो ग्रंथ मिला है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कलहन के द्वारा लिखी गई है राजतरंगिणी, और इसमें कश्मीर के इतिहास का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, किसके इतिहास का उल्लेख है, पूछेगा क्वेश्चन में, राजतरंगिणी किस विषय पर है, यह है कश्मीर के इतिहास पर। अगला आता है अष्टाध्यायी। दोस्तों इसके रचयिता पाणिनी है। अष्टाध्यायी कौन है, इसके रचयिता पाणिनी है दोस्तों। अगला आता है महाभाष्य। महाभाष्य के रचयिता कौन है, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। अब आता है दोस्तों हमारा विदेशी स्रोत। दोस्तों विदेशी स्रोतों में क्या क्या आता है, दोस्तों हिस्टोरी का पुस्तक किसने लिखी, हेरोडोटस ने। इसमें हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है इसलिए। ठीक है, हिस्टोरी का जो पुस्तक थी उसमें इतिहास, उसी पुस्तक से हमें इतिहास का ज्ञान होता है। उसी पुस्तक, हमारी पहली पुस्तक ऐसी है जो विश्व मतलब वर्ल्ड लेवल पर, जिससे मतलब हमें इतिहास की जो उत्पत्ति हुई है, इतिहास को जो समझा गया जहाँ से, वो हिस्टोरी का पुस्तक समझा गया है स्टार्टिंग से ना। और इसके जो राइटर थे हेरोडोटस, उनको इतिहास का पिता कहा गया है। अगली पुस्तक है इंडिका। दोस्तों क्वेश्चन आएगा इंडिका किसने लिखी, दोस्तों ये मेगस्थनीज ने लिखी। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था। ठीक है, अगला है भारत का भूगोल, ये किसने लिखा, ये लिखा दोस्तों टालमी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री, ये लिखी प्लिनी ने। ठीक है दोस्तों, ये जो बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है, पेपर में पूछी जाती है क्वेश्चंस के रूप में। ठीक है, अगला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके जो राइटर है वो अज्ञात लेखक हैं। ठीक है, इससे भी हमें भारत के बारे में जानने में बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी, हिस्टोरी का हेरोडोटस ने लिखी, इंडी का मैगस्थनीज ने लिखी, भारत का भूगोल टालमी ने लिखी। अगला आता है चीनी स्रोत, यानी कि जो चीन के
जो लेखक आए हैं चीन से, जो ग्रंथ मिले हैं, उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे भारत का व्याख्यान किया है। दोस्तों पहला था फाययान। फाययान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। उसके बाद है संयुगन, उसके बाद ह्वेनसांग, ठीक है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में यात्रा की थी। इसने तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और ये किसके काल में भारत आया दोस्तों? ये आया हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। अब आता है इत्सिंग। इत्सिंग इत्सिंग कौन था? एक चीनी लेखक था, ठीक है। अब आता है अगला अरबी लेखक। पहला है अलबरूनी। अलबरूनी लिखी थी हकीकत ए हिंद, किताबुल हिंद, ठीक है। इसको किताबुल हिंद भी कहते हैं, तहकीक ए हिंद भी कहते हैं दोस्तों। ये लिखी अलबरूनी ने। अगला आता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है दोस्तों। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है, यानी कि जो पुरातत्व विभाग के आधार पर हम भारत को जान सकते हैं, उन्होंने किस किस चीज़ की, किस किस साक्ष्यों की खोज की है। तो दोस्तों पहला आता है बोरी महाराष्ट्र से प्राचीन मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बोरी क्षेत्र है महाराष्ट्र में, वहाँ से क्या हुआ, प्राचीन मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों अभिलेख, अभिलेखों से हमें पता लगा है भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में। तो अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख, दोस्तों ये आर्यों के भारत आने का सूचक है। जब आर्य भारत आए थे तो ये अभिलेख, इस अभिलेख में उल्लेख है उस चीज़ का। तो दोस्तों आर्य जो भारत आए थे वो कौन से दर्रे से आए थे? दोस्तों खैबर दर्रे से आए थे। दूसरा है प्रयाग प्रस्थी, ये है समुद्रगुप्त ने लिखी का अभिलेख है, ठीक है। उसके बाद आता है ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख, ठीक है। तो